भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। रविवार 16 दिसंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में अपने से ऊंची रैंकिंग वाली जापानी खिलाड़ी निजोमी ओकुहारा को हराकर एक खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले कोई भारतीय यह कारनामा नहीं कर सका। सिंधु ने यह मुकाबला 62 मिनट में 21-19, 21-17 से अपने नाम किया। मैच में 23 वर्षीय सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। पहले गेम के ब्रेक में उन्होंने 11 छक्कों की बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद जापानी खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की। ऐसे में सिंधु के लिए परेशानियां बढ़ती दिख रही थी। फिर सिंधु ने पेशेंस दिखाते हुए मैच में अपनी वापसी की, लेकिन जापानी खिलाड़ी ओकुहारा ने भी मैच में जान लगा दी थी। उन्होंने 12 में से 10 अंक जीते और 16-16 के स्कोर कर सिंधु के बराबरी कर ली। सिंधु ने इसके बाद फिर लय हासिल कर यह गेम 21-19 से अपने नाम कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह 13वां मुकाबला था जिसमें सिंधु को 7वीं बार सफलता मिली है। 6 मुकाबले ओकुहारा ने जीत लिया था। इससे पहले सेमीफाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की रत्चनोक को 21-16, 25-23 से हराया था।